अध्याय तीन गणित विषय के अध्याय तीन में प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करेंगे। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में यदि कोई प्रश्न इसमें से अद्वितीय हल है ऐसी स्थिति बनती है तो उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करना है और ये हमने पूर्व में ज्ञात किया था। क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसका, पहले का दूसरा, और पहला तीसरा और चौथा हमने आपसे कहा था कि आपको करना है और आशा है आपने कर लिए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे और दूसरे का भी हम पहला कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, और वह है इस प्रकार से, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण दे रखी है आपको 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, और दूसरे समीकरण दी है आपको a - b x + a + b y = 3 a + b - 2, यह हमें दिया गया है। हमें इसमें लिखना है यदि समीकरण निकाय के अतिरिक्त अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो a और b के मान क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं समीकरण 1 है, फिर समीकरण 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 1 से a1 = 1, 2 b1 = 3, c1 = 7। समीकरण 2 से a2 = a - b, b2 = a + b तथा c2 = 3a + b - 2, यह हमारे पास है। और हमें लिखा है कि समीकरण निकाय के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए, चूंकि समीकरण निकाय के अपरिमित हल हैं, इसलिए a1 / a2 = b1 b2 = c1 c2, ये स्थिति हमारी पड़ रही है। हम यहाँ पर मान रखते हैं जैसे ठीक है, a1 का मान है 2, a2 का मान है a - b, इसी तरह से b1 का मान है 3 और b2 का मान है a + b, c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3a + b - 2। अब इनको हम हल करेंगे और हल करके उत्तर निकालेंगे, a का और b का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें से पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से या ये और ये फर्स्ट और लास्ट वाले को यानी पहले पद को आखिरी पद को ले लेते हैं, इससे हम a का या b का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रथम फर्स्ट व थर्ड पद से 2 a - b = 7 / 3a + b - 2, 2 का गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का 3 में 3 × 6, 2 का 3 में 2b - 2×4 = 7a - 7a - 7, पक्षांतर करते हैं -4a 7a 7b है, हम इधर ले आते हैं या 6b और 6a और 2b को ले आते हैं, -4 7a - 6a - 7b - 2, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये बचेंगे, 7 में 2 को माइनस माइनस दोनों माइनस है दोनों जुड़ जाएंगे तो -9b = -4, ये आपके समीकरण नंबर 3 का। इसी प्रकार से पहले और
दूसरे पद को अगर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। अब लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से दो बटे ए माइनस बी बराबर तीन बटे ए प्लस बी। इसमें भी हम प्रार्थना कर लेते हैं टू ए प्लस टू बी थ्री ए माइनस थ्री टू ए। अब इनका भी पक्षांतर करते हैं तो थ्री ए माइनस टू ए माइनस थ्री बी माइनस टू बी और बराबर में जीरो। तीन में से दो गए तो ए बचेगा माइनस तीन और दोनों माइनस के हैं तो तीन और दो मिलकर के पाँच हो जाएंगे बराबर जीरो। ये समीकरण नंबर होगी आपकी चार। अब चार और पांच को यदि हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे ए और बी के मान। ठीक है तो हम मान करते हैं समीकरण चार तीन व चार तीन में से चार को घटाने पर घटाते ए माइनस नौ बी बराबर माइनस चार ए माइनस फाइव बी पाँच बी बराबर के चिन्ह। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं ए कट जाएंगे पाँच ए प्लस के नौ माइनस के हैं पाँच में से नौ जाएंगे माइनस के चार भी बचेंगे और ये माइनस के चार हो जाएंगे तो b बराबर आपके पास चार बटे चार तो b का मान रहेगा ये b का मान है। b का मान आप समीकरण एक में रख देंगे ए समीकरण तीन में रख देंगे तो b का मान समीकरण तीन रखने पर ऐसे ही मान रखेंगे तो a माइनस नाइन b का मान आया आपके पास ए बराबर माइनस के चार या ए माइनस नौ बराबर माइनस चार या ए बराबर माइनस चार पक्षांतर कर रहे हैं तो चिन्ह प्लस हो गया ए नौ में से चार को उठा देंगे ए का मान रहेगा पाँच। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बराबर पाँच और बी बराबर ए समीकरण निकाल के हल हैं। तो इस सवाल को इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहले तो हमें जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन लगानी है और जैसे हमने दिया था अपरिमित रूप से अनेक हल है तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन लगाई समीकरण तीन और चार प्राप्त करी। समीकरण तीन और चार को हमने हल किया तो हमें बी का मान और ए का मान प्राप्त होता है। ठीक है इसी प्रकार का एक प्रश्न और है जो कि एक दूसरा है उसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है इसमें के का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा है थ्री एक्स प्लस फाइव बराबर एक पहली समीकरण और दूसरी समीकरण है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू बराबर 2k प्लस 1k। ये समीकरण एक है ये समीकरण दो है और स्थिति हमें दी गई है इसकी कि समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण दिखाए गए कोई हल नहीं है इसलिए ए वन अपॉन बी टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं सी वन अपॉन सी टू ये वाली स्थिति हमें पता चला। अब हम ये मान निकालेंगे हमने मान निकालना है आपको याद ही है मान निकालना हमने कैसे किया है यहाँ पर हमने मान नहीं निकाले हम डायरेक्ट सवाल पूछा तो हम यहाँ ए वन का मान है तीन ए टू का मान
फिर से बी वन का मान है वाई एक, तो किसका गुणांक एक है, और इधर से वाई का जो गुणांक है के माइनस वन, ये बी टू का मान हो गया के माइनस वन बराबर नहीं है सी वन का मान एक है और सी टू का मान है टू के प्लस वन। इसमें हम दोनों पदों को पहले और दूसरे पद को लेते हैं, तो फर्स्ट व सेकंड पद से 3 अपान 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान k माइनस 1। क्लास गुणा में 3 का k से गुणा 3k, 3 का 1 से गुणा 3, इधर 1 का गुणा 2k से 2k, 1 का गुणा 1 से 1। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर में हम पाते हैं 3k माइनस 2k, इधर माइनस 1 है ये माइनस 3 प्लस के 3 हो जाएंगे, 3k में से 2k को माइनस करेंगे के आएंगे और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे 2, k का मान आता है 2। इस सवाल में हमारे पास में k का मान आता है, ये था हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। प्रश्न नंबर 3 ये आपको करना है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं व्रजगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि का को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो जो हमने पूर्व के वीडियो में ये किया है उसको आप अच्छे से समझ के करना। क्वेश्चन नंबर 4, दैनिक समस्याओं से संबंधित रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको बीजगणितीय विधि से हल करना है। बीजगणित की विधि हमारी उपयोगी है तीनों में से, या तो विलोपन विधि है या प्रतिस्थापन विधि है या प्रजनन विधि है, इन तीनों से हम उसको हल करते हैं। तो पहले समस्या को इकाई खोल लेंगे और फिर उसको हम जो सुटेबल विधि है उससे हल करेंगे। तो आते हैं हम पहले थोड़ा सरल वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें आप देखें प्रश्न नंबर दूसरा, चौथे का दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब घर में 8 जोड़ दिए जाते हैं, तो वह भिन्न क्या है। सबसे पहले तो हम भिन्न को मान लेंगे कि माना भिन्न जो है वो एक्स बटे वाई, एक्स हमारा अंश है और वाई हल। और अब हम जो प्रश्न की कंडीशन है उसके हिसाब से देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या लिखा है इसमें, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश में से 1 घटाने पर अंश में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। तो अंश है x, तो x में से हमने 1 घटाया हर आपका वही रहेगा, भिन्न हो गई 1/3। आज गुणा कर दें, 3 का x से गुणा 3x, 3 का x से गुणा 3 बराबर y का x से गुणा y। पक्षांतर करते हैं और पक्षांतर नहीं करें तो आप ठीक से मान लें कि ये आपके समीकरण एक नंबर है क्योंकि तो y का मान प्राप्त हो रहा है। अगर विलोपन से करना हो तो आप पक्षांतर कर दीजिए, 3x माइनस y माइनस के 3 है ये बराबर के 3 कर दें और ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, इसी प्रकार दूसरी स्थिति हमारी है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दी जाए। अब की बार हर है और हर में आपने 8 जोड़ना है तो अंश तो वही रहेगा x और हर में हमने 8 जोड़ दिए y प्लस 8 हो गया, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है 1/4 के बराबर हो जाती है, तो ये 1/4। इसमें जो है क्लास गुणा 4 का x से गुणा करेंगे 4x और 1 का y प्लस 8 से गुणा करेंगे तो y प्लस, अब ये x है y को इधर ले आएंगे तो ये आएगा आपके पास में 4x माइनस y बराबर 8, ये आपकी समीकरण नंबर 2।
का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे लिए विलोमन विधि ज्यादा सरल लगेगी क्योंकि यहाँ समीकरण एक में y है, यहाँ समीकरण एक में भी y है, समान पद है। और समान होने के लिए हम आराम से इसको घटा करके समीकरण में x का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए समीकरण एक में से दो को घटाने पर घटा तो हमें समीकरण एक है हमारी तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, दो है चार एक्स माइनस वाई बराबर आठ, घटाने के चिन्ह को हमने बदल दिया, तीन में से चार जाएंगे तो माइनस के एक एक्स चिन्ह वाई माइनस के प्लस के, और इधर तीन में से आठ जाएंगे तो माइनस के पाँच हो, तो एक्स का मान आ रहा है पाँच। एक्स का मान आप समीकरण एक में रख देंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक इस प्रकार से देखिए आप 3x माइनस थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, थ्री इंटू एक्स का मान 5 माइनस वाई, तीन का पाँच में गुणा तीनों को दे 15 माइनस वाई बराबर तीन माइनस वाई बराबर तीन माइनस पंद्रह, तीन घटा के तीन में से माइनस को पंद्रह माइनस करें तो हमारे पास में माइनस वाई बराबर माइनस के 12 आएंगे, यानी कि वाई का मान आ जाती है 12। और जब वाई का मान 12 है एक्स का मान 5 है तो भिन्न हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर है पाँच बटे बार, पाँच बटे बार। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को, इस समस्या को हल करके x और y के मानों को बता सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था चौथे का दूसरा, इन्हें आप अच्छे से हल करें, देखें और अच्छे से समझे। तो इस टाइप की कोई और समस्या अगर आपके इस प्रश्न में आती है एग्जाम्पल में या कहीं पर तो आप उसको प्रयास करें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।